हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल पीके वर्मा हेल्थ केयर पे। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास बात, आप ध्यान से सुने और वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपेंडिक्स के बारे में। अपेंडिक्स आखिरकार है क्या, इसका सही इलाज क्या है और इसका ठीक करने का मेन तरीका क्या, इसका विधि क्या है। दोस्तों ये अपेंडिक्स जो है यह एक अवशेषी अंग है जो आंत के निचले हिस्से में होता है और राइट साइड होता है। ये अपेंडिक्स दोस्तों बचपन से ही होता है और हर व्यक्ति में होता है। जैसे हम लोगों का कान का जो पीना है वो अवशेषी हो गया, इसका कोई काम नहीं है लेकिन लगा हुआ है, उसी प्रकार से अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स भी एक अवशेषी अंग है, उसका कोई काम नहीं होता है। आंत के जो निचले हिस्से का जो छोर बचा हुआ होता है वो होता है अपेंडिक्स। इसका लंबाई 1.5 से 2 इंच का होता है। और ये अपेंडिक्स जो है, लोग बोलते हैं कि इसको मेरे घर में या किसी व्यक्ति को हो जाता है, इसे अपेंडिक्स हो गया है। तो अपेंडिक्स दोस्तों होता नहीं है, अर्थात उसमें स्वेलिंग हो जाता है जिसे हम लोग अपेंडिसाइटिस कहते हैं। इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कोई भी कण चला जाता है या फिर किसी प्रकार से इन्फेक्शन के कारण जो है उसमें सूजन आ जाता है, तो हमें परेशानियाँ होने लगती है, उल्टी होने लगता है, बहुत ज़्यादा पेट दर्द करने लगता है। पेट जब भी दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, अपेंडिक्स का लक्षण है पेट दर्द के साथ उल्टी होना स्टार्ट होता है। और पेट जब भी दर्द करेगा, राइट साइड करेगा, तो आप लोग समझ जाइएगा जो ये सिम्टम है अपेंडिक्स का है। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को ये सब सारी चीजें ये लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से मिले, उनसे सलाह लें डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं। मेन रूप से होता है दोस्तों कि अपेंडिक्स अगर हो जाए, उसमें सूजन आ जाए, तो फिलहाल जो है फिलहाल ट्रीटमेंट के लिए उसे एंटीबायोटिक दवा देना चाहिए, पेट दर्द की दवा देना चाहिए और जो है मोनोसेप इंजेक्शन या कोई भी सेप्टियाजोन का इंजेक्शन देना चाहिए दोस्तों सुबह शाम करके, ताकि जो उसमें सूजन हो गया है वो कंट्रोल हो सके। इन सब चीज़ों से पहले हम लोग क्या करवाते हैं दोस्तों, एक सोनोग्राफी करवाते हैं, उसे पता करने के लिए कि आखिरकार इसमें सूजन है या नहीं है। जो अपेंडिक्स है वो अपेंडिसाइटिस में बदला है या यूं ही कुछ कारण से पेट में दर्द है। हर व्यक्ति को ये जो है अपेंडिक्स होता है, लेकिन ये सूजन के कारण ही हम लोग समझते हैं ये अपेंडिसाइटिस हो गया है, अपेंडिक्स हो गया है। दोस्तों अगर ये सब जो अपेंडिक्स के कारण जो परेशानियां हैं, अगर हम लोगों ने ट्रीटमेंट करवाया और उसके दौरान भी जो है ये ठीक नहीं है, दर्द करते जा रहा है और उल्टी होते जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं या डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इस अपेंडिक्स को रिमूव कर देते हैं, अर्थात सर्जरी करके राइट साइड में छोटा सा सर्जरी होता है और 1.5 से 2 इंच का सर्जरी होता है। वहाँ से जहाँ पे अपेंडिक्स होता है उसके ऊपर चीरा लगाया जाता है और उससे अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है। इसका मेन निदान है, लास्ट उपाय यही है दोस्तों, अगर दवा से कंट्रोल नहीं हुआ तो मेन है सर्जरी, सर्जरी करके हम लोग इसे निकाल देते हैं। दोस्तों सर्जरी के बाद डॉक्टर लोग अपने ही क्लिनिक में या नर्सिंग होम में या जो भी हॉस्पिटल उसमें एडमिट करते हैं और लगभग 1 सप्ताह तक एडमिट करके ट्रीटमेंट करते रहते हैं। एंटीबायोटिक कुछ दवा ड्रग्स देते रहते हैं जिससे वो इन्फेक्शन ठीक हो जाता है और जो जख्म चीड़ा लगा हुआ होता है वो भी ठीक हो जाता है। इसके बाद 7 से 8 दिन होते होते स्टिचेज जो लगा होता है उसको हम लोग काट देते हैं, डॉक्टर लोग काट देते हैं, फिर पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और ये भी ध्यान रहे दोस्तों कि जो अपेंडिक्स एक बार अगर निकल जाए तो दोबारा होने का चांसेस नहीं है, क्योंकि अवशेषी अंग है। जैसे हम लोग को एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को कि कान के जो पीना है उसे अगर एक बार काट दिया जाए तो फिर से तो होगा नहीं, उसी प्रकार से अपेंडिक्स में। दोस्तों अपेंडिक्स में हम लोग जो यूज कर सकते हैं कुछ दवा, जैसे कलेवम 625 mg एंटीबायोटिक है जो स्वेलिंग को कम करता है और इन्फेक्शन को ठीक करता है। उसके साथ अगर पेशेंट को उल्टी होता है तो उसके लिए हम लोग ऑनडेम 4 mg का टैबलेट दे सकते हैं, और अगर पेट दर्द है तो उसके लिए मेप्टल स्पास टैबलेट दे सकते हैं। दोस्तों हमने मेप्टल स्पास टैबलेट और ऑनडेम टैबलेट के बारे में
वीडियो बनाई है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके आप लोग देख सकते हैं। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों।